ये रहा एंट्री गेट और इधर से हम लोग इंटर करने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों हम इंटर कर चुके हैं और टिकट का आधा हिस्सा जो है गेटमैन ने ले लिया है। अब जो है अंदर आ ही चुके हैं तो इसकी खूबसूरती आपको दिखाते हुए ले चलते हैं। अंदर का लुक कुछ इस तरह का है। यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो सेल्फी ले रहे हैं। चलिए इधर से इंटर करते हैं और घूमते हुए जितनी भी जगह है सभी जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। और ये बैक लुक आप एक बार देख लीजिए क्योंकि इसके बाद शायद आपको मौका ना मिले देखने का। यहाँ पे देखिए पीने का पानी, बस हाथ डालना है, सेंसर लगा रहेगा, आपको पानी मिल जाएगा। अब चलिए धीरे धीरे अंदर चलते हैं। कुछ काम है यहाँ पे, देखिए कौन सा चीज कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा उसका पूरा मैप है और इसके सहारे हम पूरा जो है जू घूम सकते हैं। टिकट काउंटर, टॉय ट्रेन स्टेशन, ड्रिंकिंग वाटर, जेंट्स एंड लेडीज टॉयलेट, फूड कोर्ट, बैटिंग बोटिंग जेटी, फाइट फाइनल एरिया, रेलवे ट्रैक्स, सेड बाउंड्री रोड, सर्विस पथ। तो जितनी भी जगह यहाँ पे लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि हम आपको वहाँ पे लेके जाएं। और इसका फर्स्ट अट्रैक्टिव अट्रैक्शन ये है हाथी जो सूंड उठाए हुए बैठे हुए हैं। अब चलिए धीरे धीरे अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखिए बैटरी से चलने वाली मिनी कार है, आप टिकट दे करके मतलब टिकट ले करके अंदर जो है मतलब गाड़ी में बैठ सकते हैं और पूरा जू का लुक उठा सकते हैं। लेकिन हम लोग पैदल ही चलने वाले हैं क्योंकि पैदल चलने में जो मजा है वो उस पर बैठ के तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मिनी ट्रेन जो है उस पर हम लोग जरूर बैठने वाले हैं। तो फिलहाल आप हमारे साथ पैदल ही घूमिए क्योंकि पैदल घूमने का अपना ही अलग ही मजा है। देखिए टॉय ट्रेन के लिए यहाँ पे टिकट कराया जाता है। तो टॉय ट्रेन के लिए चाइल्ड 20 रुपया, अडल्ट 30 रुपया, मतलब एंट्री तो 30 रुपया था और टॉय ट्रेन के लिए भी 30 रुपया है। ये टॉय ट्रेन नहीं है, ये रिक्शा है जो पूरा जू घुमाती है। देखिए यहाँ पे भी पूरा डिटेल दिया हुआ है कहाँ पे क्या है। प्रथम स्थल गेट नंबर 1, प्रथम पड़ाव भेड़िया केज, वो तो हम चलते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए खूबसूरत जगह है बैठने के लिए और ये कुछ विशेष प्रकार का मॉडल तैयार किया गया है वो भी बैठने के लिए ही है। और सबसे पहले हमें देखने को मिलता है राइट साइड में टॉयलेट है, मतलब सब चीज बताना जायज होगा। यहाँ पे देखिए इंडिकेटर दिया हुआ है, दिशा निर्देश जैसे हम कहते हैं कि चैंपेंजी इधर है। उसके बाद फूड कोर्ट जो भी हो, चलिए चिंपैंजी देखते हैं, उसके बाद जो है बाकी चीजें देखते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए सामने पीने के लिए पानी भी है तो टेंशन मुक्त होके आइए और कचरा तो बिल्कुल भी मत फैलाइएगा। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं भेड़िया केज, वुल्फ।
इसके बारे में देखिए, टॉय ट्रेन का जो रेलिंग है बना हुआ है, मतलब ट्रैक्स जिसे बोलते हैं, हालांकि अब जो टॉय ट्रेन चलती है वह टायर वाले चक्के से लगे हुए इंजन से चलती है, ये पुराना वाला है। देखिए भाई साहब, भेड़िया मोगली का भी फुटेज पीछे है, मोगली वाला। सबसे पहले चलिए इसके बारे में जान लेते हैं और आपको भी बता देते हैं। ये है भेड़िया का जो उसके बारे में विशेषता है, क्वालिटी है उसकी, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। हम आपको एक एक करके बताते हैं, बाकी तो आप जानते ही होइएगा। भेड़िया अलास्का के अलावा कनाडा, पूर्वी यूरोप, एशिया में मिलता है। भारतीय भेड़िया यूरोप और अमेरिका में पाए जाने वाले उप प्रजातियों से छोटा है। अरे बहुत चीज है, हम क्या ही पढ़ाएंगे आपको, बहुत चीज है, बोर कर देंगे। अच्छा अब चलिए, देखिए देखिए कुंदन कुंदन दोस्त एल। एक दो तीन भेड़िया है और इसके लिए ब्रिज भी बना हुआ है। भाई साहब जूम करके दिखाते हैं आपको, सबका अपना नाम होगा। कुत्ता का सौतेला भाई है भेड़िया, एकदम कुत्ते की तरह दिखता है अगर आप गौर फरमाएं, उसका ही एक नेक्स्ट लेवल का वर्जन है। ये कभी इंसानों का दोस्त नहीं हुआ ना, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉप पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे डस्टबिन है और कुछ विशेष प्रकार का डिजाइन दिया गया ताकि लोग इसके प्रति आकर्षित हो और डस्टबिन में ही कूड़ा डाले। और यहाँ पे पीने के लिए पानी है, अब जो है दूसरा जगह है तेंदुआ का। ये रहा तेंदुआ का प्लेस, अभी देखिए पढ़ाते हैं। 15 से 20 वर्ष तेंदुआ लेपर्ड, इसकी जीवन आयु 15 से 20 वर्ष, गर्भकाल 90 से 105 दिन, बच्चे 2 से 3, वजन 37 से 90 किलोग्राम। ये खाने में इसको पसंद है बीफ ए मुर्गा, लगभग 4 किलो। जंगलों में भोजन में से पसंद है हिरन, बंदर, खरगोश, पक्षी। पूर्ण वयस्क तेंदुआ 6 फीट तक लंबा, 2.5 फीट तक ऊंचा एवं 80 किग्रा तक भारी होता है। यह 10 फीट की ऊंचाई तक एवं 20 फीट दूर तक छलांग लगा सकता है। शिकार करने में यह बहुत चलाक होते हैं तथा पेड़ों की टहनियों में छिपकर आक्रमण करते हैं। यह अपनी सीमा का निर्धारण वृक्ष के तने, डाल, छाल पर मूत्र त्याग से करते हैं। बाप रे, बहुत ही कुछ लिखा हुआ है। अब चलिए अंदर चलते हैं। जिस तरह से हम लोग भेड़िया को देख लिए हैं, उसी तरह से हमें उम्मीद है कि जितने भी जानवर हैं इस जू में अवेलेबल मौजूद, हम सभी को देख पाएंगे। ये रहा तेंदुआ का वास। तेंदुआ है कि नहीं जी? मुझे लगता है अभी शायद दिख तो नहीं रहा है, धूप से कराया छत के ऊपर। ये देखिए दो इधर इधर वहाँ सैर करता पाया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट जगह पे चलते हैं। चिंपैंजी देखिए, मिनी कार,